ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 जून शनिवार 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 19 जून 2021 का यह दिन कैसा रहेगा, क्या बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, क्या क्या शुभ समाचार मिलेंगे, साथ में क्या क्या सावधानियां, किन किन चीज़ों में बरतना आपको बहुत ज़रूरी है, आपकी नौकरी, आपका करियर, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या उतार चढ़ाव होंगे, आपके रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपकी भी राशि तुला है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो हर दिन समय से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, कंजूसी बिल्कुल ना करें। आइए जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। 19 जून 2021 को शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, हस्त नाम का नक्षत्र है, वरियान नाम का योग है, शनिवार का ये दिन है, चंद्रमा कन्या राशि में है जबकि सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। बात करें अगर आज के राहु काल के समय के बारे में, तो ये समय होगा सुबह 9:06 से लेकर दोपहर सुबह 10:47 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ कामना करें, कोई भी नया काम ना करें। बात करें अगर आज के अभिजीत मुहूर्त के बारे में, तो ये समय होगा शाम 5:43 से लेकर शाम 7:24 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई भी नया काम कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल, इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे 19 जून 2021 का यह दिन आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आया है, किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां रखनी होंगी और कहां कहां आपको धन लाभ होगा। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, इस उपाय को आज आप जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में। चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो कि आपके धन का भाव है। दोस्तों इसलिए एक तो यहाँ चंद्रमा के साथ कोई ग्रह मौजूद नहीं है जो उसको पीड़ित कर रहा हो या चंद्रमा के प्रभाव को कम कर रहा हो, तो इसलिए आज ये स्थिति आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा बाकी ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए ठीक ठाक बनी हुई है। तो देखिए आज कुछ लोगों के मन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि वो अपना घर बदलने के बारे में सोचें, यानी अगर आप अपने घर से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं, यानी काफ़ी समय से आप सोच रहे थे, तो तब अब ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं। वैसे भी स्थान परिवर्तन का योग यहां पर आज आपके लिए बना हुआ है, इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है घर बदलने की इच्छा है, तो निराश ना हो। यदि बदलाव आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये बदलाव आज आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। इसके अलावा देखिए आज आपको अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, और यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो देखिए अब आपके लिए कुछ आसानी होने वाली है, नौकरी की तलाश अब आपकी पूरी होने वाली है। हालांकि देखिए अभी अगर आप अपने काम से संतुष्ट हैं और भविष्य में आपको अचानक नौकरी बदलने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ सबसे पहले आप अपनी खूबियों को देखें, अपनी कमियों को देखें, क्योंकि अब आपकी नौकरी को ढूंढने में काफ़ी मदद करने वाली साबित होंगी। इसलिए स्थितियों को देखकर आपको उसी के अनुसार खुद को ढालना होगा, मन लगाकर काम करना होगा। बाकी आज पैसा आपके पास आ सकता है, और ऐसा भी आपके मन में ऐसी बात उत्पन्न हो सकती है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, यानी एक के बाद एक अड़चनें सामने आ सकती हैं, ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। और इस राशि के जो जातक व्यापार करते हैं, तो देखिए कुछ मुद्दे ऐसे होंगे, ऐसे मुद्दों को वरना आपके सामने अनचाही समस्या खड़ी हो सकती है, जिनका सामना कर पाने में आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं, ऐसे मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं। दोस्तों आज कुछ लोग आपकी राह में अड़चनें खड़ी करेंगे, इसलिए धैर्य और समझदारी से आपको काम लेना होगा। बाकी इस राशि के जो जातक प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो उनको भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, वरना कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आपकी वाणी जो है वो आज आप काफ़ी सौम्य होगी, काफ़ी मीठी होगी, आपकी वाणी में इतनी मधुरता रहेगी कि आप इसके जरिए अपने कार्य क्षेत्र में लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने बॉस को अपनी बातों से इम्प्रेस कर सकते हैं, या कुछ ऐसे विचार आप उनके सामने प्रकट कर सकते हैं जिन पर आपके बॉस की भी सहमति होगी। इसलिए वाणी के जरिए आज आप कुछ ना कुछ मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, या कुछ अच्छे काम आपके लिए आप बना सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। साथ ही देखिए आज जो योग बन रहे हैं वो भी आपके लिए बेहद अच्छे होंगे, आपके कामों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी,
और जो रुके हुए काम थे वो भी समय से पहले पूरे होंगे। बेहद शुभ योग आज आपके लिए बन रहे हैं, जिनका प्रभाव आपके ऊपर काफ़ी अच्छा पड़ेगा। जो आपके कष्ट हैं उन सभी कष्टों से अब आपको मुक्ति मिलेगी, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। और यदि बात करें आपके प्रेम जीवन की, लव लाइफ, पारिवारिक जीवन की, तो देखिए आज का ये दिन पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है। आज आपको लगेगा आप दोनों के पास ही काफ़ी समय है, आप खुद को काफ़ी ऊर्जा से भरा यहाँ पर महसूस करेंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए आप काफ़ी समय निकालेंगे, इसलिए दाम्पत्य जीवन आपका शानदार रहेगा। साथ ही प्रेम जीवन वाले लोगों के लिए भी प्रेम में डूबे रहने का ये समय है, प्रेम की वादियों में आज आप गोते लगाएंगे, काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। दोस्तों लव लाइफ के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतरीन है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो देखिए विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक रहेगा, इतना हम कह सकते हैं। यानी आज स्थितियां आप लोगों के लिए सामान्य रहेंगी और हो सकता है थोड़ा ध्यान आपका अपनी पढ़ाई से हटकर बेकार की बातों में पड़ जाए। यानी आज आप अपना ज़्यादातर समय एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बिताना चाहेंगे, पढ़ाई पर इतना फोकस आपका नहीं रहेगा। दोस्तों आपको ज़रूरत होगी कि आप अपने सभी फालतू कामों को छोड़कर सबसे पहले वो काम निपटाएं जो आपके लिए ज़रूरी हैं या जिनसे आपका ज्ञान पड़ता है और जो आपके लिए भविष्य में काम आएंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए उसके लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, प्रयास करने होंगे, बाकी रिजल्ट आपको अपने अनुकूल प्राप्त होंगे। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बेहद शुभ बनी हुई है, यह आपको मानसिक रूप से मजबूत रखेगी, आपकी बुद्धि तेज होगी, प्रखर होगी, इसलिए दिन ठीक ठाक रहेगा। यदि बात करें सेहत की, तो देखिए आज आपको ऐसी छोटी मोटी बीमारी से बचकर रहना होगा, जैसे सर दर्द की समस्या, बुखार जैसी, क्योंकि मौसमी बीमारियां इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। सेहत का ध्यान रखें, खुद को किसी तरह से आप स्वस्थ रखें, इसलिए आप एक अच्छी टाइम डाइट का नियम बना लें, पौष्टिक आहार लें, हल्का फुल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो आप खुद को मजबूत स्थिति में पा सकते हैं। जैसे संतुलित भोजन आपको लेना है, व्यायाम करना है, खुद के अंदर एक ऊर्जा का विस्तार करना है जिससे आप अपने सभी कामों को बना सकें। इसके अलावा देखिए कुछ बदलाव होने के योग भी आज आपके लिए बन रहे हैं। देखिए आपको घर बदलना पड़ सकता है या नौकरी में कोई परिवर्तन आपके हो सकता है। अगर ऐसी स्थितियाँ आती हैं तब आप किसी भी तरह की स्थिति से घबराना नहीं है, धैर्य से काम लेना है तो उतना ही आसानी आपको हर तरह की स्थिति से निपटने में दिखाई देगी। इसलिए आज आपको धैर्य से काम लेना होगा, सभी कुछ आसानी से हो जाएगा। कुछ अच्छे बदलाव भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, हालांकि बुरे बदलाव इस समय कम हैं। जीवन में खुशियाँ ये बदलाव आपके लेकर आएंगे, और वहीं कुछ बदलाव ऐसे भी होंगे जो आपको परेशानी में थोड़ा सा डाल सकते हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है, संभल कर आपको चलना है। बाकी आज आपको कई सारे ऐसे नए अवसर प्राप्त होंगे जिनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यदि बात करें कार्य क्षेत्र की, तो देखिए कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जो आपके सहयोगी हैं वो आपके कामों में सहायता करेंगे जिससे आपके काम की सराहना होगी, आपके काम बनेंगे, लोग आपसे प्रसन्न होंगे। साथ ही देखिए अगर आप विदेशी व्यापार करते हैं वहाँ थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, और यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो देखिए पैसों का तनाव बना रह सकता है, पार्टनरशिप में आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कोई ऐसी स्थिति ना बनने दें। अपने साझेदार से संबंधों को मधुर बनाकर रखें, उनकी सलाह से ही कोई निर्णय लें, कोई काम करें, आपस में सोच विचार करके कोई काम करें, आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही आज आप कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबंधियों से बात कर सकते हैं, प्यार से बातचीत करें तो आप कामयाब होंगे। इसके अलावा देखिए आध्यात्मिकता और विश्वास पर फोकस करने से आपको सफलता मिलेगी, यानी आध्यात्मिक की तरफ आपका रुझान रहेगा और आप अपना कुछ समय धार्मिक चीज़ों में रहकर भी बिताना चाहेंगे। इसके अलावा यदि बात करें आपकी संतान की, तो देखिए आज संतान को करियर से संबंधित कुछ प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे या पुरानी परेशानी से आप थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हैं। यदि बात करें सावधानियों की, तो देखिए आज बिना मतलब के दूसरों की परेशानियों में आप ना उलझें, इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। बस अपने कामों पर ध्यान दें और जो भी कार्य आपको सौंपे गए हैं उनको पूरे मन से करें, अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। लोगों का आपके प्रति विश्वास बना रहेगा, आपके जो संबंध हैं वो मजबूत होंगे, आपके लिए प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों दिन कुछ स्थितियों में आज आपके लिए बेहद शानदार होगा, वहीं कहीं ना कहीं आपको स्थितियां थोड़ी सी विचलित भी कर सकती हैं, ऐसे में धैर्य से काम लेना आपके लिए जरूरी है। बाकी आज आप किस्मत और भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आपके कुछ शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है, तो इसलिए कार्यस्थल पर आप अपने शत्रुओं से सावधान रहें। बाकी कुछ जोखिम भरा काम करने से आज आपको बचकर रहना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें वरना आपको
बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय को आज आप जरूर करें। देखिए, आप माता लक्ष्मी के समक्ष एक दीपक जलाएं और उनको गुलाब का इत्र अर्पित करें या फिर गुलाब का फूल अर्पित करें। तो दोस्तों, ये उपाय आज आप जरूर करें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।